today's video. I hope you all are doing well. आज जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने नई जैकेट खरीदी एक दो हफ्ते पहले, पर आज मौका आया है पहनने का। स्पाउस से खरीदी और आज हमें जाना है देखो। एक कोई कंपनी थी इंस्टाग्राम पे, उन्होंने स्टोरी डाली थी कि फॉरनर जो भी बाहर घूमना चाहते हैं और जिनके 10,000 ज्यादा फॉलोअर्स हो इंस्टाग्राम पे, वो अप्लाई करें इसके लिए, हम आपको देखो घुमाएंगे। मुझे लगा मेरे पास आज कुछ करने को नहीं है तो चलते हैं चुपचाप से देखो, और घूमना घामना भी हो जाएगा और नई एक्टिविटीज भी हो जाएंगी। सुबह मुझे 4 बजे नींद आई है। जब लगता है ना कि सुबह जल्दी जगना तो नींद नहीं आती, फिर भी 4 बजे आ गई थी। 6 बजे उठना था तो 2 घंटे सो, तो 2 घंटे सो लिए, ठीक है, थोड़ी एनर्जी वो कर ली। ये जो जैकेट है ये रिवर्सिबल है, तो ये ग्रे अंदर आप पहन सकते हैं और ब्लैक तो ऑब्वियसली मैंने ली तो मुझे अच्छी लगी। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी सुबह सुबह का टाइम है और ठंड नहीं आती। मुझे लगा था कि ठंड होगी थोड़ी। अगले हफ्ते से बहुत ज्यादा सर्दी वाला माहौल आने वाला है, -5 तक जाएगा टेम्परेचर मिनिमम, और काफी अच्छा लगता है सुबह इतनी जल्दी जल्दी लगकर। थैंक गॉड मैंने चाय वाय पी ली अपनी, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम लगता है जब आपका फोन होता है बस, और आपका म्यूजिक होता है और आपके एयरपोर्ट्स होते हैं और आप बस एंजॉय करते हो सब चीजें और भागना नहीं होता जल्दी। आई लव दिस टाइम बस। और अब मैं सोल स्टेशन में आ गई हूँ। यहाँ पे बुलाया था डंकिन डोनट पे और मैं वहीं खड़ी हूँ। पता नहीं कौन किससे मिलना, मुझे पता नहीं है। अड़े यार, तो मुझे वॉशरूम भी जाना है, पता नहीं जाऊँ कि नहीं। जिनसे मुझे मिलना है वो मिल चुके हैं और वो एक बेबी के साथ हैं और बहुत ही स्वीट से लग रहे हैं सब। बारी तो हम कोरिया आज नो कोरिया तो है ही हम देखू पहुंच चुके हैं। अन्नयासेयो। अब हम आए हैं सोप बनाने, कभी कराने में काम जिंदगी में। सो प्रीटी, यस, सो फेमिनिन। माइन लुक्स नॉट Nori. Every perfume is made in India. Okay. You did this. Okay. Yeah, this is mine. Which one you want to try? Because of this girl. You will have fun. Welcome to today's video. तो आज हम आ गए हैं देगू से और बहुत ही थकाने वाला दिन था। घर मेरा इतना एस्थेटिक नहीं है तो प्लीज माइंड मत करना। थोड़ी बहुत शॉपिंग पे जाना है और थोड़ा अपने लिए शैम्पू खरीदना है। मैं बहुत दिनों से इंडियन शैम्पू यूज कर रही थी, मेरा शावर जेल भी खत्म हो गया, मेरा शैम्पू भी खत्म हो गया, तो अपने पास वाले स्टोर पे जाते हैं ई मार्ट में और देखते हैं कौन सा शैम्पू लेते हैं, शावर जेल लेते हैं। डाइसो भी अब हमारे पास ही है। जब तक चाय बन रही है हम अपने बर्तन मांज लेते हैं अच्छे से। चाय हमारी बन गई है, ये उसके साथ स्नैक छोटा सा, और ये बर्तन अगेन, और हमारे बर्तन भी बच गए हैं। वाओ, आई हैव माय टी। ही लुक प्रीटी एवरी टाइम, ऑल द टाइम, यू नेवर नो व्हेन यू विल फाइंड बीटीएस एंड मीट देम, इवन दो दे आर इन USA। ओकेजनली करते हैं आजकल हम मेकअप, बट अभी कुछ दिनों पहले हमें ये मेकअप मिला काफी सारा किसी कंपनी से। मेरे कोई फ्रेंड है, उनके जानने वाले हैं, तो वो ये सब काम करते हैं, तो उन्होंने अभी फ्री में मेकअप मेकअप दे दिया। तो कट्रीज ब्रांड से मिला मुझे काफी सारा, मैंने कभी इनके मेकअप प्रोडक्ट यूज नहीं करे और मेरे को पता नहीं था ये ब्रांड कैसा है, अच्छा है, क्या है। फिर मैंने काफ़ी सारी YouTube वीडियो देखी तो मुझे पता चला अच्छा ये अच्छा ब्रांड है, मतलब अफोर्डेबल बट अच्छा ब्रांड है। पर फिर मुझे पता नहीं था कि कैसा टेक्सचर होगा, कैसा क्या होगा, प्राइस कम है तो पता नहीं, परफॉर्म कैसा। ये न्यू है, इनको यूज़ नहीं करना मेरे को, और इसके मुझे कलर्स बहुत पसंद आए। मैंने अभी ये तो यूज़ नहीं करी, ये भी न्यू है एकदम,
पर ये वाली यूज करी, मुझे पता नहीं ये कलर्स बहुत पसंद आए। पता नहीं, मैं फाउंडेशन और आई शेडो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। 20 वॉर्म बेज, और भी दो फाउंडेशन मिले हैं मुझे, ये दो टाइप के फाउंडेशन। ये मैट फाउंडेशन है पर इसकी फिनिश काफी अच्छी है, ये पोर्स को एकदम गायब कर देता है बिल्कुल। साथ में एक कलर करेक्टिंग पैलेट। तो पांच तरह के लिपस्टिक हैं बट मैंने यूज करी आई थिंक 30, और बट काफी क्रीमी है तो जल्दी हट जाती हैं ये, बट कलर अच्छा है ये, मुझे अच्छा लगा न्यूड। मैंने ऑलरेडी ये कलर ट्राई कर रखा है, ये थोड़ा सा डार्क है मेरे लिए, बट आज हम ये करेंगे और मुझे लग रहा है ये थोड़ा मेरे लिए सही होगा, करेक्ट कलर होगा। इसका नाम है वॉर्म बेज 20। अभी एक लग रहा है कि मैच हो जाएगा ये मैं सोचेगा कि मैं वहां जा रही हूँ ईमार्ट तो मैं मेकअप करके जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आज बस ये टेस्ट कर टेस्ट करना चाहती हूँ ये मेकअप बस। अगर ये ऑक्सीडाइज होता है तो देखते हैं कितना ऑक्सीडाइज। अच्छी बात ये है कि इस मेकअप को यूज करने के बाद मेरे कोई पिंपल भी नहीं आए। वाओ, और अभी जब मैं पाउडर यूज करूंगी तो ये सब थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा, इनिसफ्री पाउडर। तो अपने आई शेडो के लिए हम ये यूज़ करेंगे। और मैं हमेशा कभी जब मेकअप प्रोडक्ट देखती हूँ कोई भी या कोई मुझे देखा है मैंने, तो मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। थोड़ा सा मैं ये यूज़ कर लूँगी। इसके साथ एक क्रीम मिलता है हमेशा, बट ये मेरा फेवरेट मस्कारा है अभी तक, तो देखते हैं। पर ये खत्म हो गया ऑलमोस्ट, तो मुझे नया लेना है। इसे यूज करके हमेशा मेरी आईलैशेस ऊपर ही रहती हैं और ये ट्रांसफर नहीं होता इधर मेरे, बट आज मैं इसे थोड़ा सा यूज करूंगी। किसी की बारात में नहीं जा रहे हम, बार बार कह रही हूँ कि ज्यादा नहीं करेंगे मेकअप, वो करती जा रही हूँ। इसका कलर मुझे अच्छा लगता है। गॉड, हेलो पीपल, प्लीज डोंट माइंड द बैक। तो ये मेरा आउटफिट है आज के लिए, और ये जैकेट मुझे बहुत पसंद आई जब से मैं डेली यही पहने जा रही हूँ, क्योंकि इसको जब मैं पहनती हूँ इसमें दो पॉकेट अंदर हैं, दो पॉकेट इधर हैं, और भी एक सीक्रेट पॉकेट है ऐसी वाली। अपने एयरपोर्ट डालती हूँ, मोबाइल डालती हूँ, और जो भी जरूरत वाली चीजें घर की वगैरह सब कुछ डाल के और चल देते हैं, और बैग लेने की जरूरत ही नहीं है, बस अपना काम बन जाता है ऐसी। तो आजकल, और ये काफी वार्म है तो कोरिया की ठंड में बहुत ही ज्यादा काम आती है। आज हम इसे लगा के जाते हैं, अपना इप्सो लोरा नहीं क्योंकि वो महंगा है काफी। है अभी तो हम शॉपिंग के लिए आ गए हैं, पर हमारे पीछे ओलिविंग है और यहाँ पे एनएस भी है। बाहर ही काउंटर पे इतने सारे सैंपल सारे जो कि आप ट्राई करते हैं, और मिरर भी इतना टेम्पटिंग है कि बस लगाना स्टार्ट कर दो कहीं पे भी। काफी प्यारा कलर है, मन करता है कि सब खरीद लूं। और ये इनका न्यू हॉलीडे कलेक्शन, फेमस ग्रीन टी सीरम। अब ओलिव यंग में चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। कोरिया में ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि काफी सारे ब्रांड है तो सब में कंपटीशन लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1+1 और ये भी कम हो जाता है, तो काफी अच्छा अमाउंट है। ये मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन कंसीलर के साथ 9000 कोरियन वन में बस। और ये प्रोडक्ट सारे वो हैं जो जिनकी एक्सपायरी डेट जल्दी खत्म होने वाली है, तो पर ये जल्दी निकालना चाहते हैं। और ये मैं यही मेरे न्यू मेकअप के साथ। ओलिव यंग में जितने भी सारे यहाँ डिस्प्ले में ब्रांड होते हैं उनको ज्यादा पे करना होता है, लोग इससे पहले देखते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी है बट ये भी फेमस है, ये भी फेमस है, तो अब की बार मैं या तो ये लूंगी या ये लूंगी। तो और ये न्यू लिप्टन जोन डे ब्लॉग में मैंने देखा था वो ये वाला यूज करती है, तो मुझे बहुत मन है इसे लेने का, बट मैं जो कलर लूंगी वो 9 लूंगी, पर अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद जब मेरे को मेकअप वीडियो बनानी होगी दूसरी। यहाँ पे ये सारे आइटम्स है जो सेल पर है। आई फाउंड दिस सिल्क कवर ग्लो कुशन फाउंडेशन है, पुराना वाला डिजाइन है, 3000 का, अदरवाइज ये 22000 का मिलता है। मेरा शेड है, मेरा मन कर रहा है लेने का इसे, और एक ही पीस रह गया है बट। पर ये फाउंडेशन मेरा अब तक का फेवरेट फाउंडेशन निकला है, और ये कोरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बाद में लेंगे छोड़ो। तो मेरे आगे काफी सारे शैम्पू की वेरायटी, अब मुझे नहीं पता कौन सा लूँ, पर मैं आपको बताती हूँ। ये वाला शैम्पू यूज किया है, काफी फेमस है, काफी अच्छा है, अच्छा काम करता है। प्रीति, मुझे शैम्पू की खुशबू अच्छी लगती है। इतनी सारी वेरायटी है भाई, इस शैम्पू की रेट देखिए जरा क्या है ये। एम शैम्पू सुवाविस प्रोफेशनल लाइन फॉर ऑल हेयर टाइप ब्ला ब्ला ब्ला, 33000, ओ माय गॉड। ये शैम्पू तब भी ठीक है बजट में, बट ये क्या है सच में, ये बाल झड़ने से रोक देगा क्या, मुझे नहीं लगता। और स्पेंड कौन करता है अभी 70 रुपये, क्वान्टिटी ज़्यादा है बट रेट भी ठीक है। बट डव शैम्पू मुझे अच्छे नहीं लगते, काफ़ी हार्श होते हैं डव, हेड एंड शोल्डर और पेंटीन वगैरह, तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती। अब चलते हैं डाइसो में देखते हैं क्या है।
तो डाइसो में ज्यादा वैरायटी नहीं है यहाँ पे, वो ब्रांड है जो मैंने देखे नहीं है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा बिलीव नहीं करती डाइसो के शैम्पू और बॉडी वॉश पे, तो इसलिए आप चलते हैं। लास्ट ऑप्शन जो है हमारा ईमार्ट, ईमार्ट में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो लेट्स गो। और अब हम ई मार्ट में हैं और आप देख सकते हैं इतनी सारी चॉइसेस यहाँ पे। जो मैं बॉटल देख रही थी वो ये है, पता नहीं पैकेजिंग चेंज हो गई है पर शैम्पू आई थिंक सेम है। यहाँ पे 5900 का है, पूरा डिपार्टमेंट शैम्पू का है, शैम्पू से भरा पड़ा है, शैम्पू कंडीशनर, तो बहुत सारी चॉइसेस हैं। ये भी अच्छा लग रहा है, 10,000 का है, काफी बड़ी बॉटल है। कंडीशनर नहीं है, बस ट्रीटमेंट को एक बार रखो और धो दो, ज्यादा देर वेट करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे ये भी अच्छा दिख रहा है बट इसकी रेट 32। जैसा कि हमें पता था कि ईमार्ट में काफी ज्यादा वैरायटी मिलेगी, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता, काफी बड़ी बॉटल है और प्रोटीन लिखा है, तो ऐसा लगता है कि अरे यार ले लो, अच्छा काम करेगा ये, पर फिर लगता है यार पैसे बचा लो। जब बाहर रह रहे होते अकेले तो लगता है कि यार क्या ही वेस्ट करना है, और मम्मी पापा जैसे हमारे कहते थे कि बचा लो पैसे, इतना क्या खर्च करने की जरूरत है। और ये सारे शैम्पू इन पे लिखा डैंड्रफ, हेयर लॉस केयर, ब्ला ब्ला ब्ला, बट पता नहीं ऐसा लिखने से शायद ज्यादा बिकते हो, ये लोग ज्यादा बिलीव कर लेते। लाइक वी एंटी हेयर लॉस, नो थैंक यू। शाइनी हेल्दी हेयर ऑयल, जेली एक्सट्रैक्ट, हनी एक्सट्रैक्ट, पता नहीं क्या करते हैं बालों पे। चलो ठीक है, शैम्पू मिल गया अपना। और गाइज अब हम आ गए हैं बॉडी वॉश के डिपार्टमेंट में। मुझे बॉडी वॉश अपने वो पसंद है जो इसमें अच्छी स्मेल आती हो, ताकि दिल खुश हो जाए मेरा। कितने सारे ऑप्शन है यहाँ पे, ये बॉटल बड़ी प्यारी लग रही है। इसमें स्क्रब भी है, बॉडी वॉश दोनों का 2-in-1 काम करेगा, आप समझ नहीं आ रहा है। इसमें भी हनी वगैरह कुछ है, बॉडी वॉश ब्ला 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 नेचुरल लिखा है इसमें, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा लेने का मेरा मन कर रहा है। और बॉटल भी काफ़ी बड़ी है और प्राइस भी ठीक है, 9900। तो ये लेते हैं, वाओ मेरी दोनों, वाह ये दोनों बॉटल मैच कर रही है, वाओ फाइनली। आलू के साथ ओके, तो दो मेन काम हो गए हैं मेरे, शैम्पू ले लिया, बॉडी वॉश ले लिया और मेरे बाल। जो बॉटल आप देख रहे हैं जो कि हैंड वॉश जैसी लग रही हैं, पर हैंड वॉश नहीं है, ये टूथपेस्ट है। तो जब भी मुझे हैंड वॉश करना होता है उनके घर में, तो मैं ये देखती हूँ, मुझे लगता है ये हैंड वॉश है और मैं इसे लगाती हूँ, और मेरे को लगता है हमेशा ये झाग क्यों नहीं बन रहा है हाथों में, ये क्या है, और रिफ्रेशिंग से खुशबू क्यों आ रही है। फिर बाद में पता चलता है ये तो टूथपेस्ट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इतनी देर से बिगाड़ रही हूँ उनका। बट काफ़ी कन्वीनियंट है, बट बहुत देर में जाके पता चलता है ये टूथपेस्ट है। हे गाइस बाय द वे, आवर ईमार्ट हैज एवरीथिंग, इवन एनिमल्स, लेट मी शो यू। सबसे पहले इन फिश से मिली है अपने घर में या अंदर। हेलो अनी आ गए हो? ओके बाय। हेलो आर यू अलाइव, आर यू डेड, यू सो ब्यूटीफुल, आ जाओ बाहर। ओ वो बाहर अभी। हेलो अनी आ गए, गो गो बैक टू योर होम। मैं तुम्हें पहले खाती थी, अब नहीं खाती। थैंक यू फॉर योर सर्विस। ये एक है या दो है, ये क्या है? ओ ये एक ही है। सो लोनली। हेलो एवरीबॉडी, तो अब हम घर आ चुके हैं, बहुत हैवी वेट था, और आप ये मेरा मेकअप देख सकते हैं और कंसीलर लगाया, इतना ज्यादा भयानक नहीं लग रहा, ठीक है। तो आज हम बना रहे हैं अपने लिए सिंपल सी आलू सैंडविच। काफी साल हो गए मैंने ये बनाई नहीं है, तो इसके लिए हमें ब्रेड चाहिए और मैंने आलू उबाले काफी सारे। आज जो नतालिया ने मंगाया था, सच में मेरा पेट दुख रहा है उससे खाकर, काफी मिर्ची वाला था। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, मैं बाहर से धनिया, चीज और बटर लेके आई, बटर बाहर के लिए अभी नहीं डालूंगी, ज्यादा तामझाम नहीं करना, मैं प्याज और टमाटर वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि उससे और ज्यादा पानी वाले हो जाते हैं आलू। थोड़ा सा जीरा डालूंगी, थोड़ा सा नहीं काफी डाल दी, इसमें आलू डाल दूंगी मैं डायरेक्ट। इसमें नमक डालते हैं थोड़ा, हेलो थोड़ा सा, ये क्या है, चाट मसाला डालते हैं इसमें, और ये थोड़ा सा आमचूर, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये है क्या है, ये गार्लिक पाउडर, ये है ऑनियन पाउडर थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा पिज्जा मसाला, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं धनिया नहीं डालूं। वही अपनी डिश में इस पे लेते हैं ताकि ये गिरे तो नीचे गिरे। Hello. 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 Are you talking? Oh no. Oh, you are recording. Hello, everybody. I am home to my lady. Did you show them what you got? Yeah. Shampoo. Yeah. Royal for royalty. Are you royal? What should I do? Should I shower first? Oh, I need to shower too. Let's shower together. What an awesome. We have bathtub too. It's not bathtub. It's our toilet. That's our bathtub. Ah, nice. She got it. Like four. Ah, it's okay.
This is sandwich number 2. Hey guys, तो मैं अभी चाय बना रही हूँ सैंडविच के साथ. ऑब्वियसली मम्मी घर पे चाय बनाती थी सैंडविच और ऑमलेट वगैरह के साथ, तो मैं भी वही कर रही हूँ. इसमें एक टमाटर और ऊपर से एक गोल प्याज होनी चाहिए थी. The sauce, is it expired or what? Maybe shake, shake it. Shake it off. या भी खुलूँगी. Does it expire? I don't know. सही है, छोटा सा डिनर. और ये हमारे BTS, ये फाइनली. It looks like this inside.